चलो आज सर्दियों वाला मेकअप दिखाती हूँ मैं क्या लगाती हूँ, क्योंकि कई बार ना क्रीम की ज़रूरत पड़ती है मुझे, लेकिन क्रीम मैं हर कोई नहीं लगा सकती। तो ये मेरा ये भी यहीं पड़ा है, इसको रखूँगी बाथरूम में। और सर्दियों में मैं बताऊँ कौन सी क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि कोई भी क्रीम मेरे को नहीं सूट करती। हाँ तो एवरीवन कैसे हैं आप सब, अभी कर रही हूँ। तो या तो मेरे को बोरोलिन से कुछ नहीं होता है, वो भी मैं बहुत थोड़ी सी लगाती हूँ, बहुत ही थोड़ी सी, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो होता है, ये रंग भी काला करती है मैंने सुना है। मेरे को तो ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरा रंग कोई ज़्यादा साफ है भी नहीं, फ़ोन में आता है अलग बात है। तो मैं हल्का सा, क्योंकि फटाफटा सा हो जाता है मुँह ना, कि जैसे कुछ हो गया, हंस रहे हो तो खिंचाव सा महसूस दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ, वो भी जब ज़्यादा ज़रूरत होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर तक तो मैं ये भी नहीं लगा रही थी, अब ठीक हो गया। तो ये लगाई, उसके बाद बिंदी लगा लूँगी मैरून कलर की। ये लोग आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, खाने का कुछ पता आता नहीं है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। और लगा लेंगे अपना लिप बाम, लिप बाम लगा लेंगे ममा अर्थ वाला, बढ़िया है। बस हो गई मैं रेडी, सिंदूर लगा लूँगी हल्का सा, यही होता है मेरा रोज का मेकअप घर वाला। बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ, घर में भी लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ, मन के ऊपर है। ये भी मैं करने बैठ गई, नहीं तो खाने का हो रहा है, और दूसरा खाने का समझ भी नहीं आ रहा कि बनेगा तो बनेगा क्या। सिंदूर लगा ले, मुझे सूखा सिंदूर पसंद है, गीला भी है मेरे पास, लेकिन गीला मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि सिंदूर से बाल झड़ते हैं, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। हो गई मैं रेडी, आके ऊपर बैठी हूँ, पता नहीं आवाज भी जा रही होगी वहां तक कि नहीं जा रही होगी, और धूप इतनी कैड़ी है ना, बहुत कैड़ी धूप है, नीचे ठंड लग रही थी, बुआ आ गई थी, बुआ सास मेरी, उनके साथ बैठी, और मेरा खाना नहीं हुआ उसी टाइम, मैं मैगी बनाने जा रही थी, मैंने कहा चलो आज मैगी खाती हूँ मैं। तो फिर गुड्डू तन्मय, गुड्डू ने अपनी और तन्मय की सिंपल वाली बना ली थी, मैंने कहा चलो मैं खाती नहीं, एक चाय बुआ के साथ हो गई, एक चाय सुबह हो गई, नाश्ता तो मैंने किया ही नहीं था, ठंड लग गई मेरे पैरों में, मैं जाऊंगी अंदर थोड़ा सा काम करने अपना, चलो पहले जुराबे पहन लो। बाल ही बाल लगे रहते हैं गर्म कपड़ों में। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाए हैं मखाने, ऐसे मन हो रहा था कुछ खाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा खाते हैं
हल्का भी हो जाए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा आजकल एसिडिटी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहने लगी है, भूख नहीं लगती है मुझे। मैं सिर्फ खाना खा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही भूख नहीं लग रही। तो जैसे अगर बच्चे उस टाइम ना खाते, बुआ जी बैठी थी तब, तो मैं कुछ ना कुछ बना के खा लेती उनके साथ ही, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी कि भाई जैसे वो मैं खाने को खा रही हूँ कि दोपहर का खाना खाना है या शाम का खाना खाना है, इस तरीके से। तो भूख नहीं है तो मैंने सोचा फिर क्यों खामोखा कुछ खाना जब प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैंने कहा मैं मखाने भून लेती हूँ, खाना भी हो जाएगा और हल्का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, और देखो मैंने नाश्ता भी नहीं किया जैसे मैंने बताया था, सुबह भी एक चाय और अभी भी एक चाय, चाय पी रखी है बस, ना बिस्किट ना नमकीन कुछ नहीं। तो ये खाऊंगी, ये टेस्टी भी लगेंगे, और इसमें से थोड़े से मैं दूध को दूंगी, उसको चाहिए। बहुत तेज हो रही है, मैं ऊपर ही ले आई हूँ और धूप में बैठ के खा रही हूँ। और पता है ऐसे लगता है ना वीडियो में, जब मैं पहले आई थी यहाँ पे बैठी थी, उसके बाद मैं अंदर गई, घंटा भर मैंने काम किया, फिर मैं नीचे गई, फिर मैं ये बना के लाई हूँ। वीडियो में ऐसे लगता है ना, ऐसी हो रही हैं चीज़ें। ओह चलो मैं खाती हूँ, एक दो तो मैं खा भी चुकी, टेस्टी लगता है। देखो गाइस मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मामी जी मेरे से रुष्ट हैं, तो मैं थोड़ी और अच्छे वाली बना रही हूँ एक्स्ट्रा अदरक डाल के, क्योंकि बोलते हैं तीखे को तीखा ही काटता है। आइए आपको मामी जी दिखाते हैं। वो जो लेटी हुई हैं वो मेरे से नाराज़ हैं, और मैं इनको मना मना के थक चुकी हूँ, पर ये मेरे से नहीं मान रही हैं। अब इन्हें सिर्फ इनके हाय, देखो आपने इनको देखा है कभी? नहीं। इनको देखा है कभी? इन्हें तो आज तक मैंने नहीं देखा। हमारे घर में जादू करके आई है ये। जादू करनी छोटा भी माली ना, बुरी जादू करनी, इतने बड़े नाक वाली झाड़ू पे बैठ चुकी है अभी। गुड्डू वो गेम खेलेगी जो उस दिन वो बोल रही थी? आज खेलने का मेरा आने वाला वो गेम था कौन सा? उसको तो कुछ जाने वाली हूं, संडे या मंडे जाने वाली हूं, जाने वाली हूं। गुड्डू से कुछ लंबा रूट जाएंगे किधर? दिल्ली, जयपुर। चाय आ चुकी है, चाय गर्मा गर्म चाय, कप भरे भरे हुए हैं। नहीं आपके कम है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, मैं कम पीती हूँ इनको पता है। तो मैं आजकल अपनी कमी नहीं ला रही, तो दोनों तीनों टाइम पीती इतनी सी लाती। अब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी, एक तरीके से मेरा व्रत ही हो गया ना, एक तरीके से मेरा व्रत हो गया। आज मैंने अन्न का तो कुछ खाया ही नहीं, थर्सडे का मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। अब भी नहीं टूटेगा व्रत तो, चाय के साथ, चाय बढ़िया बढ़िया चाय। मुझे नहीं आता, सच में मुझे नहीं, मतलब तुम्हें मुझे आ रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं आता ना मुझे, जिस लेवल पे तू कल पता नहीं परसों बोल रही थी कि अदरक का आज तो आपका गला छिल गया होगा। तो मुझे नहीं आता, मुझे बहुत तेज अदरक वाली चाय पसंद है ना, बहुत तेज। मैंने बुआ की और अपनी बनाई थी, उसमें भी खूब सारा डाला था, मैं तो बल्कि बाद में सोची ओ यार बुआ को ना लग गई हो, पर बुआ को अच्छी लगी चाय, बोल रही मुझे ऐसी पसंद है कब मीठे की आएंगी। वो विपिन से नहीं मिली ना, रात को आएंगी या कल आएंगी, वो सिया दीदी और के यहाँ शादी है ना उनके भतीजे की जो मैं बता रही थी। कुछ सामान लाए थे विपिन, जो महीने में ऐसा होता है ना कि सारा तो ख़त्म नहीं होता है, कुछ बीच में ख़त्म होता है, चाय की पत्ती हो गया या सरसों का तेल हो गया या और भी दो चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर जो है वो विपिन लाए, उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई होंगी, गज्जक वज्जक, तो वो एक दो पैकेट वो लाए। तो मैंने कहा उनको पसंद है, इसको खाली करके डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, जब भी उनको दिखेगी उनका मन होगा वो खा लेंगे, अगर ऐसे ही रखूँगी पैकेट ऊपर तो उनको दिखेगा नहीं। तो उनकी वजह से मैंने ये जो है इसमें डाल के डाइनिंग टेबल पे रखवा दिया, जब उनका दिल करेगा वो, उनका क्या बच्चों का भी दिल करेगा, और एक आधी तो मैं भी खा लेती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पसंद। उसके बाद जो है कोफ्ते बनाने थे, लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं आज, और चावल, तो चावल तो पहले ही छोंक दिए थे क्योंकि फिर उनमें टाइम लगता अगर कोफ्ते बनाने के बाद छोंकती, और दूसरा कोफ्ते जो है पानी बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा पहले चावल छोंकती हूँ। ये देखो सीटी भी आ गई है चावल में, चावल बन भी चुके हैं, बस अब कोफ्ते बनाने बाकी रह गए हैं। बेसन अभी मिक्स नहीं करूंगी, अभी मसाले डालूंगी इसमें, ये तो मैंने थोड़ा सा बचा लेती हूँ,
क्या पता ज्यादा हो कम रहेगा और ले लेंगे, और साथ ही साथ मसाले जाएंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, वो सब, प्याज और हरी मिर्च भी गिर सकती थी इसमें। अब मैंने सारी ग्रेट कर ली, अब मैं नहीं डालूंगी, मेरा मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, और कढ़ाई भी चला दूं, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तो ये और पानी पानी हो सकता है। चावल भी छोड़ दिए मैंने, क्योंकि ये तो फटाफट बन जाएंगे, चावल रेडी होने चाहिए, तो इसलिए चावल छोंक दिए मैंने। और अब यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा, फटाफट से इसको तलेंगे, फिर खाएंगे लोकी कोफ्ते और चावल। इनका नहीं पता ये लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, मैं और विपिन तो शौक से खाएंगे, इन लोगों का ये खाएंगे ठीक है, नहीं तो ये लोग खाएंगे फिर चावल फ्राई करके या फिर वो क्या कुछ कर रही है ये? ना नहीं कर रही। क्या वो क्या यहाँ पे लोकी के कोफ्ते, वो दोनों तो नहीं खाएंगे मुझे पता है, चाहे वो दही के साथ चावल खाएं, दही के साथ मैं दूंगी नहीं क्योंकि ठंड है। पतले ही तो बनाओगे हैं लोकी के कोफ्ते? हाँ। रस वाले तो बनाओगे? पर ठीक है, मैं पकौड़ी नहीं लेने की, वो लेऊंगी पानी पानी उसका। क्यों चावल अगर फ्राई होता है तो भी वही खा ले? नहीं मैं कोफ्ते खा लूंगी। नहीं चेक करने के लिए तो ले लियो, अगर मन नहीं है तो चावल तो दो के लिए फ्राई होंगे। तुम बोलो। चलिए अब बना लेते हैं कोफ्ते, आंच कम कर देती हूँ क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और कोफ्ते डालते हैं। एकदम फ्राई होके डलते ही छोटे छोटे अच्छे लगते हैं ना, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बनाते हैं ना। और कुछ लोगों के बहुत टाइट भी रहते हैं किसी किसी के। हाँ कोफ्ते पर ये ना छोटे मैंने इसलिए भी बनाए क्योंकि कढ़ाई में तेल कम है, कच्ची दी हो जाए ना। ये हम ये ओवर हो गया क्या? हाँ तेल ज़्यादा गर्म हो गया। अच्छा नहीं पर ठीक है, ये डलते ही फ्राई हो गए। रहो मैं घुमाऊँ हल्के हाथ से। तो बस ये हो चुके हैं, इतना ही रखूँगी मैं, ये दो चार तो ज़्यादा ही हो गए हैं, ज़्यादा नहीं मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। इनको निकालते हैं एक साथ ही, सारे निकालना चाहिए। अरे मैं सोची थी ये जो ज़्यादा हो गए ना इनको निकालूँ, इतने वो होते रहेंगे पर ऐसा हो नहीं पाया। पीले पीले से तो अच्छे नहीं लगते, इनका कलर चेंज ना जब ये उसमें जाएंगे तब भी होगा। अब ये हो गए, करें अभी थोड़ी देर में, करें थोड़ी देर में। नहीं ये अच्छा लग रहा है ना एकदम, ये वेज पकौड़ा है, डोंट वरी। फोन का साइड इफेक्ट, कढ़ाई खाली और ये औरत फोन देख रही है। कोफ्ते बन चुके हैं, बस थोड़ा सा और पकाऊंगी, और बहुत गाढ़े से हो जाते हैं ये, कितना भी पानी डालो सारा पानी पी जाते हैं, क्योंकि बेसन होता है ना इनमें, बेसन पानी पीता है बहुत। तो यहाँ पर बस मैं इतना ही रखूँगी इनको, क्योंकि इन तीनों ने खाना नहीं है, और विपिन आ गए थे नीचे, उनको कह रहे थे मुझे फटाफट खाना दे दे, क्योंकि ऊपर पैकिंग चल रही थी तो इस वजह से वो ऊपर थे। तो उनका खाना लगाया, अपना लगाया, इन बच्चों ने चावल फ्राई करके खाए तीनों ने, और हम दोनों का ये है, हम दोनों भी खा रहे हैं। ये तीनों उधर डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो हम दोनों इधर आकर बैठ गए, मैंने कहा चलो हम इधर खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं विपिन को कोफ्ते और चावल। ये खा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको काफ़ी पसंद है, जैसे लौकी के कोफ्ते चावल, उड़द राजमा की दाल, राजमा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत पसंद है। तो चलो खाते हैं। मामी तेरी मोरनी को
फोन ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, काले चोर ले गए। यस है ये मुझे नहीं आता है ऐसे गाने का। ऐसे है ऐसे गाने का ऐसे तू हेल्प कर सकता है किसी की। ठीक है अरे वो चलो खाना वाना खाने के बाद हम जो है अंताक्षरी खेलने के लिए बैठ गए थे क्योंकि विपिन ऊपर थे, उनका वेट करना था, उनको लगने थे अभी 2-1 घंटा और। तो हमने सोचा कि हम क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी खेल रहे थे, काफ़ी देर हो गई खेलते खेलते, 11 बज गए थे। फिर आ गए थे विपिन नीचे, फिर उन्होंने हमारी वीडियो बनाई कि भाई ये देखो अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो मैं तो यहीं पर बाय कर देती हूँ, बाकी हमने अंताक्षरी खेली है, आप उसको इंजॉय कर सकते हैं ओरिजिनल ऑडियो में। है अब चुप ना है जमीन पर रखा नहीं ऐसे पापा ने मेरे से गाना ओवर कर दिया था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इनकार सजना है प्यार सजना। ओ भाई सजना ये टिक कर दो। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। आगे गाओ भाई किस पे है।